दोस्तों आज के समय में फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, सब लोग चाहते हैं कि सामने वाले आदमी को कैसे इम्प्रेस करें। पर यह सच है कि आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां एक तरफ कोई आदमी पल भर में किसी को इम्प्रेस कर लेता है लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। कुछ तो बात होगी सामने वाले में जिससे वो कर लेता है लेकिन आप नहीं कर पाते। किसी भी शादी या कोई फंक्शन में हर कोई चाहता है कि सामने वाले लोग उसकी बातों से आकर्षित हों। पर यह जितना आपको मुश्किल लगता है उतना मुश्किल असल में है नहीं। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे जिसको आप यूज करके किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। आपको हम पहले ही बता दें कि ये वीडियो किसी पार्टिकुलर लड़का या लड़की के लिए नहीं है बल्कि इसे कोई भी देख सकता है। दोस्तों जैसे मान लो कि आपको किसी लड़के से मिलना हो या किसी लड़की से, या फिर आपको अपने कंपनी में कोई इंटरव्यू देना हो, तो आप इंटरव्यूअर को भी इम्प्रेस करके कोई भी जॉब आसानी से ले सकते हैं। आपको अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी से तो जरूर मिलना होता है, फिर चाहे उसका पर्पस कुछ भी हो। तो उस मिलन के दौरान आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से आपका फैन हो जाए। पर दोस्तों ऐसा होगा कैसे, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका ओवर कॉन्फिडेंट आपके लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को समझने में देरी नहीं लगती है कि आप जरूरत से ज्यादा फेंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरे बराबरी का नहीं है। आप पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो आप पूरा ध्यान इस बात पर देते हैं कि किसी को कैसे इम्प्रेस करें। ऐसा करने से आप किसी को इम्प्रेस करेंगे कि नहीं, लेकिन आप अपना नेचुरल गुण खो देते हैं। आप बिना किसी कारण किसी को इम्प्रेस कैसे करें से संबंधित बेकार की बातों के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। अब दोस्तों आप खुद ही एक बार सोच कर देखिए कि आपको किसी आदमी में सबसे अच्छा क्या लगता है। आपका पहला ध्यान जाएगा आदमी की स्माइल पर। आदमी का चेहरा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी स्माइल से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। दोस्तों हंसता हुआ चेहरा किसको पसंद नहीं होता है। अगर चेहरा सुंदर ना होने पर भी चेहरे पर स्माइल हो तो आपकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक अच्छी मुस्कान ही काफ़ी होती है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप कितने सुंदर दिखते हो। बस एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि साइकोलॉजी के अनुसार मुस्कुराते हुए आदमी की सुंदरता किसी को इम्प्रेस करने की क्षमता 60% बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों जब आप अगली बार किसी से मिलें तो अपने चेहरे पर हल्की से मुस्कान के साथ मिलिए, तब लोग आपके तरफ जल्दी आकर्षित होंगे। दोस्तों एक सर्वे के अनुसार जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच हुए शब्दों का केवल 7% ही प्रभाव पड़ता है। बाकी के 93% प्रभाव आपके बोलने के तरीके और आपके चेहरे के हाव भाव का पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी से बात करना कितना जरूरी होता है। आज के समय के अनुसार आप कितना भी पढ़ने लिखने में तेज क्यों ना हो, अगर आपके पास बात करने का तरीका नहीं है तो आपकी सफलता केवल आधी रह जाएगी। इसीलिए किसी से बात करना जरूर सीखें। भले ही आप शुरुआत में सहज महसूस नहीं करेंगे लेकिन धीरे धीरे आपके बोलने के तरीके चेहरे के हाव भाव बदलता जाएगा और आप किसी को भी अपने बात से इम्प्रेस कर सकते हैं। बस बात करते समय एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो किसी और के सुनने के लिए बोल रहे हैं, अपने सुनने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि किसी से बात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों किसी से बात करना मुश्किल नहीं होता है, पर सबसे अधिक मुश्किल होता है बात को शुरू करना। जब एक बार किसी से बात करना शुरू हो जाता है तो उसके बाद बात को बढ़ाना आसान हो जाता है। इसीलिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले बात करने की शुरुआत करें। जब भी किसी से बात करें तो धीरे आवाज में बोलें, लेकिन इतना भी धीरे ना बोलें कि सामने वाले को सुनाई ही ना दे। अगर आपके बात में दम होगा तो हर कोई आपको ध्यान से सुनेगा। बात करते समय हर शब्द को ध्यान में रखकर बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप बोलते हैं तो सामने वाले के लिए बोलते हैं, ना कि अपने लिए। दोस्तों बात करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि किसी के साथ कोई अच्छा उदाहरण देकर बात करें। इससे सामने वाले आपकी बातों को काफी ध्यान से सुनेंगे। किसी से बात करते समय कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आप ही बोल रहे हैं, सामने वाले को भी बराबर बोलने का मौका दें। जैसे मान लीजिए कि दो लड़के अपने अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। उस दिन बहुत तेज धूप निकली है और गर्मी भी बहुत है। एक लड़का लड़की से बोलता है कि यार आज बहुत गर्मी है, आज हमें नहीं मिलना चाहिए था, गर्मी को भी आज ही बढ़ना था,
वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का अपने गर्लफ्रेंड से बोलता है कि आज पता है सूरज इतना तेज जल क्यों रहा है, क्योंकि आज हम दोनों एक साथ मिल रहे हैं और सूरज को हमसे जलन हो रही है। अब दोस्तों आप खुद ही कंपेयर करके देख सकते हो कि लड़की किस लड़के से अधिक इम्प्रेस होगी। इसीलिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा रोमांटिक मूड में बात करेंगे तो लोग आप पर ज्यादा आकर्षित होंगे। सबका सम्मान करें, दुनिया में सबको अपनी इज्जत प्यारी है, इसीलिए किसी से बात करने से पहले उसका इज्जत करना सीखें। अगर आप किसी को अच्छे से इज्जत करते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी छोटी मोटी गलतियों को ऐसे ही नज़रअंदाज कर देता है। आप एक बात जरूर जानते होंगे कि जब तक आप किसी को इज्जत नहीं दोगे तो आपको इज्जत मिलना नामुमकिन है। भले ही आप उससे ऊँचे पद पर हों, आप डांट कर उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन उसके दिल में आप अपना जगह नहीं बना सकते हैं। सही दिखावा करें। अभी आप बोलेंगे कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, लेकिन जरा आप गौर से सोचें, आपके पास ऐसा कुछ है जो औरों से हटकर है, उसको अगर सही ढंग से किसी के सामने पेश किया जाए तो सामने वाले पर कितना गहरा असर पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और उन पैसों को गलत जगह पर खर्च करने के बजाय या दिखावा करने के बजाय आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, लेकिन आप किसी से इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन जब किसी दिन आपके सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में पता चलेगा तो आप सोच नहीं सकते हैं कि वो आदमी आपका कितना बड़ा फैन हो जाएगा। दोस्तों वो आदमी सोचेगा कि ये आदमी कितना महान है, सबकी सहायता करता है और अपनी बड़ाई अपने मुंह से खुद नहीं करता है। फिर जब वो आदमी आपसे इम्प्रेस होगा तो कभी आपको भूल नहीं सकता है। दोस्तों अक्सर हमें ऐसी गलतफहमी होती है कि सामने वाले बंदे को हर हाल में इम्प्रेस ही करना है, लेकिन इम्प्रेस की बजाय अगर आप इंस्पायर पर ध्यान देंगे तो आपका पूरा जीवन सोचने में ये चला जाएगा कि किसी को इम्प्रेस कैसे करें, लेकिन आप इसमें कभी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ये स्किल आ जाता है कि किसी को इंस्पायर कैसे करें, तब वो आदमी खुद ब खुद अपने से इम्प्रेस होने लगता है। अब दोस्तों आप एक गांठ बांध कर रख लो कि आप किसी को इंस्पायर करना अगर सीख गए तो इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग उल्टा ही आपको इम्प्रेस करना शुरू कर देंगे। अगर आपने एक बार किसी को इंस्पायर कर दिया तो लोग आपसे खुद ही इम्प्रेस होकर आपसे जुड़ते चले जाएंगे, फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें कि लोग आपसे इंस्पायर हों। इसीलिए सबसे पहले खुद को सफल बनाने की कोशिश करें। यह तरीका जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, लोग आपके पास झक मार के पीछे आएंगे। दोस्तों हमारा लास्ट बात जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है हमेशा साफ कपड़े पहनना। आप नए कपड़े पहने या पुराने कपड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क इस बात पर पड़ता है कि आपका कपड़ा कितना साफ है। जैसे मान लो कि कोई आदमी लाखों रुपए के कपड़े पहनता है, लेकिन अगर वो साफ सुथरा नहीं है तो लोग उस पर हंसेंगे ही। वहीं दूसरी ओर अगर आप कितना भी सस्ता कपड़ा पहने हुए हैं लेकिन साफ सुथरा है तो लोग एक बार जरूर कहेंगे कि आदमी चाहे जैसा है लेकिन कम से कम साफ सुथरा कपड़ा तो पहनता है। दोस्तों इसीलिए आप अगली बार जब किसी से मिलने जाए तो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाए। दोस्तों अब जिस दिन आपके अंदर ये सारे गुण आ गए जो मैंने आपको बताया है, तो समझ लीजिए कि फिर आपको जीवन में कभी किसी लड़का या लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस दोस्तों एक बार इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके देखिए, फिर आप देखना लोग आपसे कैसे इम्प्रेस होते हैं। दोस्तों अगर आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल में हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।